हेलो एवरीबॉडी, आज के छोटे से लेक्चर में आपका स्वागत है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और कंसेप्ट बिल्डिंग है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है और जनरली हम इसको स्किप कर देते हैं। बट यही एक आइडिया आपको डेवलप हो जाए तो आप डिफरेंशिएबिलिटी को बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाएंगे और डिफरेंशिएशन को इनफैक्ट अच्छे से समझ जाएंगे, इनफैक्ट कैलकुलस को समझ जाएंगे। बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक इस तरीके से चल रहा है कि पहला लिमिट आपको फंक्शन आना चाहिए, देन लिमिट आएगा, फिर आपको कंटिन्यूटी आनी चाहिए, देन डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव भी आनी चाहिए साथ साथ। उसके बाद फिर हम इसकी चर्चा करते हैं, डज कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, और आपको इसका आंसर पता है पिछले लेक्चर से कि नहीं। इसीलिए तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट से देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का सवाल है कि डज कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, और इफ इट डज नॉट देन प्रूव इट दैट इट डज नॉट। तो किसी भी चीज़ को डिसप्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है और किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हज़ार एग्जाम्पल कम होता है। तो डिसप्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल हम दे देंगे, ठीक है, और प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, पहला ये प्रूफ। अगर ये हम प्रूफ कर पाए, ठीक है, ऐसे तो हम जानते हैं कि हाँ होता ही है, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी करती क्या है, सारे आइडियल कंडीशन को ले आती है, यानी उसको कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं चाहिए, कहीं पे भी स्पाइक नहीं चाहिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम उसको नहीं होना चाहिए। उसको कैसा चाहिए, एकदम बढ़िया स्मूथ कर्व चाहिए जहाँ पे वो टेंजेंट खींच सके। इवन इस तरीके का कर्व भी नहीं चाहिए जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी इस तरीके का कर्व पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड टेन थीटा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो ये नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। उसके बाद फिर हम इसको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में फंक्शन हम डिफाइन करते हैं किसी ओपन इंटरवल i से रियल नंबर r तक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेट a आपका एक इंटरवल है और सेट b क्या है, एक रियल नंबर है, और एक पॉइंट p है जो i में इस इंटरवल में है। यानी आप इंटरवल ले लीजिए 2 to 6, ठीक है। तो बेसिकली कैसा होगा इंटरवल, यहाँ से 2 to 6, तो बेसिकली इतना ही हम ग्राफ चाहते हैं। तो डेरिवेटिव को क्या चाहिए, उसको बड़ा कर्व दे दो, उस वो खुश नहीं होगा। वो कब खुश होगा, जब आप उसकी सारी आइडियल कंडीशन को पूरा करते हो, और छोटा सा इंटरवल लो और उस छोटे से इंटरवल में पूरा पूरा वो डिफाइन होना चाहिए, कहीं पे ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कहीं पे स्पाइक नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी उसको ऊबड़ खाबड़ रोड नहीं चलेगा, यानी एकदम स्मूथनेस चाहिए उसको। और बहुत सारी कंडीशन के बारे में पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा ही है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, वो क्या है, f डैश ऑफ p इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू p f ऑफ x माइनस f ऑफ p अपॉन x माइनस p। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कौन सा लेके आ गए, हम तो सुने थे कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस x यानी h, और लिमिट क्या होता है, x टेंस टू 0 होता है। तो आप इसका डेरिवेशन देखिए, पहला स्टेप क्या करेंगे, मुझे जो आता है वो लिखते हैं। क्या आता है मुझे, कि मुझे पता है कि f डैश ऑफ x, यानी बेसिकली ये क्या है, dy वाई बाई डी एक्स डेरेवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x विच इज h, एंड व्हाट इज द लिमिट, लिमिट इज एस टेंस टू जीरो। बेसिकली ये कह रहा है कि जब एस टेंस टू जीरो होता है तो वाई एक पॉइंट पी पे अप्रोच करता है ना, लिमिट से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वो पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, एक कर्व है, उसका टेंजेंट आप किसी भी कर्व पे खींच लें। तो बेसिकली ये पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस। तो वो इंस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव यूज होता है। करता हूँ कि
मैं चाहता हूं कि x इक्वल्स टू पी पे डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू पी पे यानी किसी पॉइंट पी पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए। पहले मैं एक इन जनरल लिख रहा था, अब क्या चाहिए, किसी पॉइंट पी पे यानी x इक्वल्स पी पे, और मैंने ऐसे स्लोप खींच दिया, अब मुझे डेरिवेटिव पता करना है। तो ये मैथमेटिकल है, इसमें तो ग्राफ आपको जरूरत नहीं है, तो आसानी से आप x इक्वल्स टू पी लिख दें तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ p डेरिवेटिव एट पॉइंट p, इसको हम लिख सकते हैं dy by dx, और इसको लिखते हैं x इक्वल्स p, यानी डेरिवेटिव विथ डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू p, यानी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू p पॉइंट। तो x इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, साइन x को अगर आप ऐसे करें f डैश ऑफ 1, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, सॉरी f डैश ऑफ 0, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, अब ठीक है, और अपने को पता है साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव, एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे cos x क्या आता है 1। तो वही चीज ये है, p ले लिया मैंने यहाँ पे, इसी पॉइंट पे मैं पता करता हूँ। तो बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक मॉडिफाइड आपको वर्जन लिख रहा हूँ, जिसको आप यूज़ कीजिए आसानी से। तो ये हो गया लिमिट, आपने क्या किया x इक्वल्स टू p किया, तो p प्लस h माइनस f ऑफ p अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको और सिंप्लीफाइड में वर्जन देना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या एक चीज कहता हूं कि रिप्लेस p प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। ओके, तो p प्लस एच बाई एक्स को रिप्लेस करें, यानी p प्लस एच को इक्वल कर दो x के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस पी, ठीक है। तो यहां पे हमें p प्लस एच को रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ओके, सो f डैश ऑफ p, क्योंकि बेसिकली मुझे इसको रिप्लेस करके लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा f of x, बिकॉज रिप्लेस p प्लस एच एज x, माइनस f ऑफ p डिवाइडेड बाई h इज इक्वल्स टू x माइनस p। नाउ लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो लिमिट क्या होगा, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें कब हो रही थी, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे आप h टेंडिंग टू 0 करो तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, टेंस टू p हो जाएगा बेसिकली, या फिर उसको ऐसे समझो कि h 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू p, तो वही चीज़ मैंने लिखा, h टेंस टू 0 कर दो तो x टेंस टू p, तो x टेंस टू p, आसान सा चीज़ है यार। जैसे हम लोगों ने कॉर्ड में किया था ना, तो यहाँ पे समझ लो कि पॉइंट q है, यहाँ पे p है, तो हमने किया था q टेंस टू p, तो ये पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट खींचा था हमने पिछली बार, तो वही चीज़ है, बहुत आसान सी। अब आपका ये एक डेरिवेटिव का बहुत अच्छा सा आसान सा बिना h का वैल्यू के, एंड दिस इज योर dy by dx at x equals p, इसको आप नोट कर लें, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है और काफ़ी आसान वर्जन है, मेरे हिसाब से काफ़ी आसान वर्जन। तो पिछले लेक्चर में का आपने डेरिवेशन देखा है कि कैसे हम इस यहाँ तक पहुँचे, और ये काफ़ी आसान तरीका है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि x प्लस एच वाला सिनेरियो नहीं है, तो टेंशन ज़्यादा नहीं होता है, डायरेक्ट ये पॉइंट लो और कर दो काम, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी काफ़ी काम आया था। खैर, ये क्या होता है, ये बताता है, ये बेसिकली क्या बताता है, डी वाई वाई विद डी एक्स एट x इक्वल्स टू पी, यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू पी,
और पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं डिफरेंशियबल कब होता है कोई फंक्शन, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है। अच्छा, फंक्शन एफ इज डिफरेंशियबल एट पी, ये सब चीज क्या है, ये हमको गिवन है, ये सारा चीज क्या है गिवन। प्रूफ क्या करना है, ये दिस इंप्लाइज कंटिन्यूटी। प्रूफ क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट हमने समझ लिया कि मुझे क्या दिया हुआ है, यही समझ जाना कि मुझे क्या दिया हुआ है वही प्रूफ हो जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, मुझे कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अपना आइडिया क्या रहेगा कि कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है, तो बेसिकली कंटिन्यूटी प्रूफ करने के बाद कैसा दिखेगा वो देखते हैं, यानी कोई चीज़ कंटिन्यूस है उसको हम कैसे देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, बेसिकली क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ऐसा पढ़ा था हमने, याद है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लिमिट देख रहे हैं, यानी ए पे अगर हम देख रहे हैं तो इधर इधर इक्वल होना चाहिए और इस जगह पे डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नहीं चलेगा, समझ में आया, तब क्या कहते हैं कंटिन्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, तो इसको बेसिकली हम सीधे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू दिस। तो बेसिकली अब क्योंकि हम ए से नहीं डील कर रहे हैं, हम पॉइंट पी से डील कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट बेसिकली प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, यानी लिमिट एग्जिस्ट एन इक्वल एट एक्स टेंस टू पी एंड इज इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, यही मतलब हुआ, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली मुझे क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, यही प्रूफ करना है मुझे। ये तो बहुत आसान है प्रूफ करना, रीजन क्या है, बेसिकली मुझे ऊपर का पार्ट को जीरो कर देना है, ठीक है, ऊपर के पार्ट को जीरो कर देना, ओके। बेसिकली आप बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये तो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे नहीं, बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटेंड्स टू पी, कोई बात नहीं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो भी ये करेक्ट हो गया, तो ये बेसिकली इक्वल्स टू जीरो करना, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब आप ऐसे लिख रहे हो, अगर एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू वन विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू वन वन, अगर ये लिख दिए तो क्या हो गया, बेसिकली वही चीज मैंने यहाँ पे किया, तो अपने को ऊपर का चीज जीरो करना है, ठीक है। अब क्या हम इसको प्रूफ के लिए ऊपर का चीज जीरो करना है, तो मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, कुछ क्या सोचेंगे आप, कंपटीशन क्या करेंगे कि क्यों ना मैं इसको ना कंसिडर कर लूं ऊपर वाले पार्ट को, और एक्स माइनस पी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स माइनस पी कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम करके देखते हैं कि ये क्या वैल्यू देता है अपने को, चलिए तो करते हैं हम, तो ये चीज़ को आप लिख लें, ऐसा आशा है कि आप लिख लिए होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी एक बेसिकली फंक्शन है, फंक्शन तो अल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होता है, अगले लेक्चर में आप देखेंगे यू बी रूल को जब हम प्रूफ करेंगे और यू बाई वी रूल को, तो बेसिकली अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे हम कि एफ और जी कोई फंक्शन है तो बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ हमने कंसिडर किया है, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच ऑफ एक्स कोई फंक्शन, या फिर नहीं मिले तो भी चलेगा, तो बेसिकली मैं लिमिट लेना चाहता हूँ एक्स टेंस टू पी पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी। अब आप समझ रहे हैं कि अप्रोच मेरा कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाई एक्स माइनस ए, बेसिकली एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए, ये मैंने कर दिया, मैथमेटिकली सही है, और आप बोलेंगे कि तुम डिफाइन नहीं किए,
पहले कट करते थे डिफाइन करते थे, अब ला रहे हो तो डिफाइन करो। ठीक है सर, तो एज x टेंस टू a क्या होगा, एंड x नॉट इक्वल्स टू a। ठीक है, बेसिकली कट करने से के टाइम में ये दिया जाता है, मगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बेसिकली डिफाइन है। क्यों? क्योंकि x a नहीं है, x टेंड कर रहा है a को, और सारा प्रॉब्लम सारी बात तो यही है लिमिट की, 0.0001 छोटी सी वैल्यू से वो पॉइंट पे लफड़ा हो रहा है, और वही तो हम सारे कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, वो छोटी सी वैल्यू डेल्टा के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आ गया। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि लिमिट किसी फंक्शन ab पे लगा तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट a टाइम्स लिमिट b, ये चीज़ हम जानते हैं। ओके, तो हम इसको उसी तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू p f ऑफ x माइनस f ऑफ p अपॉन x माइनस p, फिर लिमिट x टेंस टू p, सॉरी ये मैंने x माइनस a नहीं, x माइनस p और x माइनस p से ये करेंगे x माइनस p। ठीक है, बेसिकली इसका लिमिट लिया मैंने, इसका लिमिट लिया, बेसिकली इसका मतलब यही होता है, द होल लिमिट अगर मैं ले रहा हूं इसको एंड इसको। ठीक है, ये चीज क्या होता है यार, ये क्या होता है, यही तो हम लोग उतना देर से पढ़ रहे हैं। ये होता है एफ डैश पी डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पी, तो हम इसको लिखेंगे एफ डैश ऑफ पी। और ये क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पी एक्स माइनस पी। ओके, तो ये चीज क्या हो जाएगा, जब एक्स पी हो जाएगा तो ये चीज जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस थिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश पी टाइम्स जीरो विच इज जीरो। ओ, तो मेरा क्या आ गया, अब मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, तो बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया था कहां से, लिमिट x टेंस टू p f ऑफ x माइनस f ऑफ p, इसकी वैल्यू क्या आई है, जीरो। व्हाट डज दिस मीन, इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू p f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू p बेसिकली माइनस और खोल के पूरा ब्रैकेट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि अब प्रूफ हो चुका है, आप एक्स्ट्रा स्टेप में लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस थिंग दिस ऐसे हो रहा है, उसको समझें आप। देन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ ऑफ पी विच इज बेसिकली क्या, ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ पी ही होगा। ओ, ये क्या होता है, यही तो कंटिन्यूस फंक्शन को बताता है, ये क्या है, शोज क्या क्या बता है, व्हाट डज दिस शोज, शोज दैट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पी। तो पहले क्या था हमारे पास, गिवन था एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पी, implies that f is continuous at p, but does vice versa is true। तो ये तो प्रूफ हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और लिख भी लें, इस टाइम लिख लें। अब मैं पूछूंगा does vice versa is true, does vice versa is true, यानी इसका उल्टा सही है, हमने क्या प्रूफ कर लिया, प्रूफ क्या कर लिया, d implies c, but does c implies d, ये होता है क्या, तो आपको मैं एक रीजन दूंगा, नो, आंसर इज नो, अ बिग नो, इनफैक्ट अ बिग नो, नो नो क्यों, द रीजन इज कि अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, आपको पता होगा, हमने इसको
कंटिन्यूस फंक्शन वाले लेक्चर में बताया भी है और क्वेश्चन भी कराया है, इवन डिराइव भी कराया है कि हाँ ये फंक्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शन दिखता कैसा है, फंक्शन लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता है। तो क्या होता है, यहां पे स्पाइक आ गया। तो बेसिकली अगर मैं इसको उल्टा करके भी देखूं, स्पाइकनेस अगर आ गया तो क्या आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हैं, या द अदर वे अराउंड। टेंजेंट खींचना मतलब क्या होता है, एक सर्किल पे लाइन मारना, यही होता है ना, एक पॉइंट पे। मैं अगर ऐसा कहूं कि एक लाइन पे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये चक्का उस रोड पे एक किसी पॉइंट पे रुका हुआ है, एंड दैट कैन बी सेड दैट कि ये चक्का मदद कर रहा है इस लाइन को टेंजेंट खींचने में, द अदर वे राउंड। पहले क्या करते थे अपन, सर्कल बनाते थे उस पर टेंजेंट खींचते थे। मैं क्या कहता हूँ, टेंजेंट मतलब लाइन, टेंजेंट लाइन वैसे ही रहने दो, सर्कल आएगा उसके पास, एक अलग वे है समझने का। तो मैं अगर इस गाड़ी को लेके जाऊं तो क्या ये गाड़ी इस पीक पे खड़ी हो सकती है, खड़ी हो सकती है क्या, ये चक्का इस पीक पे खड़ा हो सकता है, नहीं, नहीं होगा खड़ा, रियल लाइफ में भी नहीं होता। यस, और बिल्कुल बिल्कुल रियल लाइफ और इसमें सेम है, गाड़ी चलाना एक रोड पे इज सेम एज, एक स्मूथ रोड पे गाड़ी चलाना इज सेम एज एक कर्व पे टेंजेंट खींचना। यस, तो बेसिकली यहां पे टेंजेंट हम नहीं खींच सकते, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वी कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट सबसे सिंपल, एंड व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज डेरिवेटिव, इनफैक्ट द क्वेश्चन व्हाट इज डेरिवेटिव, सिंपलेस्ट आंसर इज टेंजेंट एट अ कर्व, किसी भी कर्व पे, दुनिया का कोई भी कर्व हो एक फंक्शन का y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उस पर आपने एक लाइन खींच दिया, एक पॉइंट से वो पास कर रहा है, बेसिकली वो पॉइंट बहुत ही छोटा होता है, पी पॉइंट। उसके लिए हम ये करते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो देन डेल्टा y अप्रोचेस दैट पॉइंट, यही तो डेरिवेटिव है, यही सब कुछ है इनफैक्ट। तो वी कैनॉट ड्रॉ अ टेंजेंट, इफ वी कैनॉट ड्रॉ अ टेंजेंट क्या वहां पे डेरिवेटिव हो सकता है, नहीं। बेसिकली क्या होता है, dy by dx tan theta, ओके। तो आप रीजन लिखेंगे कि f of x equals to mod x is a continuous function and is defined at every point, एकदम हाई लेवल पे लिखेंगे, बट f of x equals to mod x is not differentiable at x equals to जीरो। अब ये बोलेंगे कि मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूफ करें, पहले ये देखते हैं टाइम है क्या। अब ये देखेंगे कि मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूफ करें कि मॉड एक्स जीरो पे, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो मुझे टेंजेंट वाली बात पता चल गई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो पिछली बार आपने पढ़ा है उसको मैं देखता हूँ, जल्दी से देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, मॉड एक्स इज एक्स कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, और कब देख रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे पता करना है, यानी इस कॉर्नर पे, इस पे एट जीरो माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी। तो लिमिट, बिकॉज मेरा जीबी पूरा खत्म होने वाला है, सिर्फ 300-400 बचा हुआ है, एक्स टेंस टू पी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी अपॉन एक्स माइनस पी, ये चीज होता है, इसको आप नोट करके रखें। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, तो एक्स है, माइनस एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ ऑफ पी, मतलब एफ ऑफ जीरो, पी क्या है, जीरो, जीरो नेगेटिव देख रहे हैं, तो एफ ऑफ जीरो क्या है, जब ग्रेटर देन जीरो पे देखोगे तो जीरो आएगा, जीरो अपॉन एक्स माइनस पी, तो एक्स माइनस जीरो, आंसर क्या आ रहा है, वन, ठीक है।
अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे जीरो प्लस पे, और ये मैं लेक्चर पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे आया है ये सारी चीज़ें, आप प्लीज़ उसको देख लें आपके अच्छे के लिए है। ज़ीरो प्लस, तो ज़ीरो प्लस पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और ऑफकोर्स एफ ऑफ ज़ीरो पे क्या आएगा, ज़ीरो, तो बेसिकली माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो बिकॉज पी इज़ ज़ीरो, एंड आंसर ये क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज़ माइनस वन। वाओ, हमने प्रूफ कर दिया इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस अभी पता चली। तो इससे क्या पता चलता है, टी एफ एट ज़ीरो नेगेटिव इज इक्वल्स टू डी एफ इज नॉट इक्वल्स टू डी एफ ज़ीरो प्लस, देयरफॉर एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, आई मीन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बताता है कि एक स्पाइक पे क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न है। सिर्फ और सिर्फ आप स्पाइक देख के बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार ये किस तरीके का रीज़न दे रहे हो, मुझे नहीं आता अगर ग्राफिकली तो मैथ्स लीजिए, मैथमेटिक्स से देखिए आप। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया, यानी अगर आप कोई सही काम करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स आपको कहता है कि करो, बट फ्लो आपका सही होना चाहिए, इनिशियल फ्लो सही होना चाहिए तो फाइनल भी सही होता है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो आप क्या लिखेंगे उसमें, कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट सी डजन इम्प्लाइज डी, ठीक है, सी डी सी इम्प्लाइज डजन इम्प्लाइज डी बट डी इम्प्लाइज सी, रीजन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स विच इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग यू वी रूल डिराइव करेंगे और यू बाई वी रूल डिराइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करके एक लेक्चर रहेगा, उसको आप ज़रूर देखें, और प्लेलिस्ट में लिंक है पूरे कोर्स का, उसको आप ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ तो। और थैंक यू सो मच।